वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुवेदा द्विवेदी है और हिस्ट्री के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे गुप्ता एम्पायर के बारे में, गुप्ता पीरियड के बारे में। लास्ट सेशन में हमने चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त सेकंड विक्रम आदित्य, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, विक्रम आदित्य के भी नाम से जानते हैं, उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। अच्छा, चंद्रगुप्त सेकंड का नाम क्या था? विक्रम आदित्य। और इनका अदर नाम क्या था? देवराज या देवगुप्त। चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रम आदित्य या देवराज या देवगुप्त। इनकी मम्मी मम्मी या माता का नाम क्या था? देव दत्ता देवी। इट्स पीरियड इज कंसिडर टू बी द गोल्डन पीरियड ऑफ द गुप्ता पीरियड। अब ये तो हमने देखा है कि गुप्ता एम्पायर के जो है फाउंडर कौन थे? आपके श्री गुप्त थे, ठीक है। फिर उनके रियल फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त टू क्या थे? चंद्रगुप्त टू के टाइम पे गुप्ता पीरियड का क्या कहा जाता है कि गोल्डन पीरियड चल रहा था। सबसे अच्छा टाइम गुप्ता पीरियड का चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम पे चला था। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक्सटेंडेड द लिमिट्स ऑफ हिज एम्पायर थ्रू मैरिटल रिलेशंस एंड विक्ट्रीज। अब इन्होंने क्या किया, शादियां करके अपना एम्पायर बहुत दूर तक जो एक्सटेंड कर लिया था। ही एस्टैब्लिश्ड मैट्रिमोनियल रिलेशंस विद द फॉलोइंग डायनेस्टीज। अब कौन कौन सी डायनेस्टीज से इन्होंने विवाह का संबंध जो है रचाया, मतलब वहां की राजकुमारियों से शादी की और फिर जो है उस एरिया को भी अपना डायनेस्टी बना लिया। नागवंश सबसे पहला आता है। नागवंश द डायनेस्टी वॉज लोकेटेड इन द एरियाज ऑफ मथुरा, अधिछत्र, पद्मावती एक्सेट्रा। ही मैरिड द नागा प्रिंस कुबेर नाग। नागा प्रिंस कुबेर नागा से इन्होंने शादी की। अगल प्रभावती गुप्ता वॉज बॉर्न फ्रॉम हिम, ठीक है। फिर आता आपका वकातका डायनेस्टी। ही रूल्ड इन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। अभी ये वकातका डायनेस्टी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। टू गेट द सपोर्ट ऑफ वकातका, चंद्रगुप्त मैरिड हिज डॉटर प्रभावती गुप्त टू द वकातका किंग रुद्रसेन सेकंड। अब वकातका से रिलेशनशिप बनाने के लिए जो इनका नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से शादी हुआ था, उनसे एक पुत्री पैदा हुई थी प्रभावती गुप्ता, ठीक है, प्रभावती पैदा हुई थी। तो इन्होंने प्रभावती का विवाह जो है वकातका के किंग रुद्रसेन सेकंड से करा दिया। पहले लोग अपनी शादी, अपनी पुत्रियों की शादी, अपने बच्चों की शादी आज भी पॉलिटिकल रिलेशंस के लिए होती है, तो वैसे ही तब भी था। तो इन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता की शादी जो है, प्रभावती गुप्ता की शादी किससे हुई? वकातका किंग रुद्रसेन सेकंड से, द्वितीय से, ठीक है। द कंबाइंड पावर ऑफ वकातका एंड गुप्ता आउटस्टर्ड द अदर पावर्स। अब ये दोनों पावर कंबाइंड होके बाकी सारी पावर्स को क्या कर दिए? दबा दिए, ठीक है। कदम्बा डायनेस्टी तीसरी क्या है? कदम्बा डायनेस्टी। ही वॉज अ रूलर ऑफ कुंतल। द ताल गोल्ड इंस्क्रिप्शन शोज द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। काकुत्सवर्मन मैरिड वन ऑफ हिज डॉटर कुमार दत्त वन सन ऑफ विक्रमादित्य, ठीक है। अब क्या था? काकुत्सवर्मन मैरिड वन ऑफ हिज डॉटर्स टू कुमार दत्त द सन ऑफ विक्रमादित्य। अब काकुत्सवर्मन या कदम्बा डायनेस्टी के जो रूलर थे, ठीक है, काकुत्सवर्मन, उन्होंने क्या किया? अपनी एक पुत्री कुमार दत्त की शादी किससे करा दी? विक्रम आदित्य के पुत्र से करा दी, ठीक है। कुमार दत्त कौन थे? विक्रमादित्य के पुत्र थे। उनसे क्या किया? काकुत्सवर्मन ने अपनी एक डॉटर की शादी करा दी, ठीक है। तो नागवंश से इनका कैसा रिलेशन था? इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय ने खुद अपना विवाह किया था वहां की राजकुमारी नागा से, नागा राजकुमारी कुबेर नागा से। वहां से उनको एक पुत्री उनसे होती है प्रभावती। फिर वकातका डायनेस्टी के किंग रुद्रसेन सेकंड की जो है से विवाह ये करा देते हैं अपनी पुत्री प्रभावती का। अच्छा, कदम्बा डायनेस्टी के रूलर ने क्या किया? काकुत्सवर्मन जो कदम्बा डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने पुत्री की शादी जो है विक्रम आदित्य के पुत्र कुमार दत्त से करा दी। इस तरीके से इन तीनों राज्यों का क्या हो गया? मैरिटल रिलेशन हो गया आपका गुप्ता एम्पायर से। फिर आ जाते हैं विक्ट्रीज पे। द रूलर ऑफ अ रूल द विक्ट्रीज ऑफ अ रूलर नेम चंद्र आर मेंशन्ड इन द आयरन पिलर एट मेहरौली इन साउथ दिल्ली। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जा चुका है कि आयरन पिलर मेहरौली में जो साउथ दिल्ली में है किस रूलर के बारे में उल्लेख है? तो द विक्ट्रीज ऑफ चंद्र, ठीक है, आर मेंशन्ड दिस चंद्र मेंशन्ड ही इज आइडेंटिफाइड विद चंद्रगुप्त टू। अब ये जो चंद्र केवल लिखा हुआ है तो ये हम आइडेंटिफाई करते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में एक्सप्लेनेशन है। कहाँ पे? आयरन पिलर एट मेहरौली साउथ दिल्ली में। दिस डिस्क्राइब द विक्ट्री ऑफ चंद्र बाई क्रॉसिंग द सप्त सिंधु अगेंस्ट द बहली खास एंड अगेंस्ट द बंगा रूलर्स इन द ईस्ट। चंद्रगुप्त सेकंड डिफीटेड द लास्ट सागर रूलर रुद्रसेन सेकंड रुद्रसेन थर्ड ऑफ उज्जैनी इन 409 BC। अब चंद्रगुप्त सेकंड ने किसको डिफीट किया? साका रूलर। लास्ट साका रूलर कौन थे? रुद्र सिंह थर्ड। उनको डिफीट किया कब? 409 BC में। कहां पे? उज्जैन में।
उज्जैनी. टू कोमेमोरेट दिस विक्ट्री ही इंट्रोड्यूस्ड व्याघ्र स्टाइल कॉइन्स इन द मलवा रीजन. अब इस चीज को, इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, याद रखने के लिए उन्होंने क्या किया, व्याघ्र साइन का स्टाइल का एक जो है कॉइन इंट्रोड्यूस करवाया मलवा रीजन में. ठीक है, ये आपकी विक्ट्रीज थे किसकी, चंद्रगुप्त की. फिर हम कहेंगे गुप्ता एम्पायर में जो विक्ट्रीज थी चंद्रगुप्त सेकेंड की, उनके बारे में उसका उल्लेख कहाँ पे है, आयरन पिलर एट मेहरौली साउथ दिल्ली. उन्होंने जो है लास्ट में सबसे किसको डिफीट, लास्ट का रूलर जो थे रुद्र सिंह थर्ड को कहाँ डिफीट किया था, उज्जैनी में. कहाँ पे, कब, 409 BC. ठीक है, आज का सेशन यहाँ पे एंड करता हूँ. आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा. और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.